नाम ध्यान पड़ाया यज्ञा भगवान विष्णु तद्वितु समागतः वस्निउहा सणस्वेदं परालयः सप्तमेहिनी भविता तोम जने सार्धम नाम यस्तत्रम ज्योरम कुरु भक्तेंद्र। नोट करने वाले नोट करो, सुई बात पर उपनिषद अध्याय 6 मंत्र नंबर 11 में लिखा है, ये को देवा सर्वभूतिस गूढ़ा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूता दिवासा साथ जीता केवल अनुरुष ईश्वर एक है। वस्निउहा सणस्वेदं परालयः सप्तमेहिनी भविता तोम जने सार्धम नाम यस्तत्रम ज्योरम कुरु भक्तेंद्र। सर्वशिव भविष्य से तते के मत्वा सिमरन नाम कीर्ता तत्पुचिता हस्त्री सतलंबाम च पंचाल सद्धद्विदा त्रिमसत उष्यताम रम्यां सर्वजीवं समन्विता चत्वार तीनांडों महाव्रस्तम कार्यतु सर्वियतु भारतम वर्षम जलै। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तोयकम वडरियम तोयकम सडरियम कालिरम रूपरम विश्रूपम आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम ओम जताव सुरुत नरासन सिद्धवे ससम सहसना नवेतम चकौरम आरदस्ने दुमहे मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलमयलाता प्राप्तदाता मह्यम मंगलम मंगलमय कोटि कोटि प्रणाम नतम सकल परिजाजनम यदि दीन बद्ध दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। आपकी आत्मा को शांति देने के लिए हृदय को गदगद बनाने के लिए एक मंत्र का वीर्द करा दूं, दिल की सफाई हो जाए। दिल की सफाई अगर चाहते हैं तो पूरा मजमा मिलकर पढ़ लें, ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत लोग कहते हैं तो निकाहवम पढ़ा जा, जैसे कि मनो निकाह होता, वो भी तो सुन्नत है। बहुत लोग निकाह समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ निकाह इबादत है। जो जैन में बीवी का रिश्ता हो जाता है, जब तक ये टूटता नहीं है, इस निकाह में इतनी बरकत है, इतनी बरकतें होती हैं कि जब तक सांस चलती है सवाब ही सवाब। निकाह सुन्नत है इबादत। माई करने के लिए पहले रहबरे राहे शरीयत इल्म फजल के माहे दरक्षा उलूमे शरीयत के नैयरे ताबा इल्म फजल के माहे दरक्षा उलूमे शरीयत के नैयरे ताबा मुजाहिदे कलमो बयान जुमलों में सलास्तो शगुफ्तगी मतान तो संजीदगी का बेहतरीन दर्स जिनका बयान हुज्जत काता से भरपूर हदीस मोतबिरा से माखूज आके की अजीम दीनी जात उस्ताज़ुल उलमा पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत मेमारे कौमो मिल्लत हज़रतुल अल्लामा शाह हज़रत अल्लामा अब्दुत तवाब साहब क़िबला तनहा आप लोगों की रहनुमाई कर रहे थे। सबका इतना बड़ा करम हुआ रहनुमाई करने के लिए, लोगों के लिए एक सच्ची रहनुमाई करने वाली किताब, एक उनका नूरे नजर शाह हजरत अल्लामा मुफ्ती तुफैल रजा साहब अमजदी शमसी। अल्लाह ताला इन रहनुमाओं के सदके में हम सबों को सत्य मार्ग नसीब फरमाए। तो आपने अपने हृदय की सफाई कर ली, मिंबर पर एक से बढ़कर एक खुतबा शोहरा तशरीफ रखते हैं। अभी मेरे फौरन बाद फौरन ये अल्लामा वहाब साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुदसिया तशरीफ ला चुके। एक बार मैं आजमाने के लिए आप तमाम हजरात को ये देखना चाहता हूँ कि रात बढ़ गई है, बातें भी बहुत बढ़ गई थी, मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि आप में वो हौसला है सुनना चाहते हैं कि नहीं। हाथ उठाइए जितने लोग सुनना चाहते हैं। सुबह नारे तकबीर रिसालत की सदा बुलंद कर लें। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद
नारे तकबीर। आत्मा को शांति मिली, आत्मा को शांति मिली, सुबह कुछ को मिली है कुछ को नहीं। पूरे लोग अहल्या ने मजमा, पूरे जितने यहाँ पर लोग मजमे वाले हैं वो हाथों को उठा करके बोले कि शांति मिली। बिरादराने वतन तशरीफ रखते हैं, इन सबको आज धन्य हो जाना। तो मैं एक मंत्र का जाप करवा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जितने लोगों ने पढ़ लिया उन लोगों के तमाम मोमिनीन के 12,000 गुनाहों को अल्लाह ने माफ फरमा दिया। कितने हजार? 12,000 गुनाहों को रब ने माफ फरमा दिया। बस इतना ही नहीं, 12,000 दर्जों को तुम्हारे बुलंद कर दिया और 12,000 नेकियों को नामे आमाल में रब ने फरिश्तों के जरिए दर्ज करवा दिया। वैसे साबित है ध्यान मलम गुरु मुर्दे पूजा मलम गुरु पाप का मंत्र मलम व्याक्रम मक्ष मलम गुरु कृपा। मंत्र का ऋषि पूरे मंत्र का लफ्जी तर्जमा कर रहा है। जब तुम्हें निमंत्रण मिले, दावत मिले, बुलावा भेजा जाए, यानी चलिए तुम्हें पवित्र स्थल पर जाना है, अंतिम महर्षि का बयान सुनना है, अंतिम महर्षि की बातें सुननी है, तो आपको कैसे आना है? सबसे पहले स्नान कर लें। क्या करें? स्नान के माने क्या? दौड़ना, नहाना। जानते हैं स्नान माने नहाना। मैं समझ रहा था कि स्नान माने तेजी के साथ दौड़ना। सबसे पहले क्या कर लें? स्नान कर लें, अच्छा लिबास ज़ेब-ओ-तन कर लें, आंखों को सुरमा से सजाएं, सर को टोपियों से सजाएं, अब मुस्तफा से लव लगाएं, करामा करामा आए, इस इरादे से आए, नेक इरादा मुस्तहकम इरादा लेकर आए, ऐसे आए कि आज मैं अपने नबी का दीदार करने जा रहा हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। चतुर बरात विरदो करी श्याम कली शहम मुस्तफ़ा के चार सहयोगी, एक का नाम अबू बकर सिद्दीक, एक का नाम उमर फारूक आजम, एक का नाम उस्मान गनी, एक का नाम हजरत अली। अली कौन? 30-12 कुरान, पूरे कुरान को समेट कर एक जगह रख दो तो सूरह फातिहा, पूरी सूरह फातिहा को समेट कर एक जगह रख दो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर बिस्मिल्लाह को समेट कर एक जगह रख दो तो बिस्मिल्लाह की बे को समेट कर एक जगह रख दो, बे के नीचे का नुक्ता अली वो है जो नुक्ते को जानता है, सर झुकाए तो ऐसा नमाजी नहीं, रन में तलवार चलाए तो ऐसा गाजी नहीं, फैसला के लिए तत्पर आए तो ऐसा काजी नहीं, नमाजी है तो लाजवाब, गाजी है तो लाजवाब, काजी है तो लाजवाब, जब अली का ये आलम है तो अली के नबी का आलम क्या होगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये अली जब मुस्तफ़ा का जिक्र करने के लिए आया करते थे तो ऐसे आते थे जैसे आज मैं नबी को देखने जा रहा हूँ, नबी होते या ना होते अली तो दीदार किया करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। यही अली जब भक्ति करने जाते, प्रार्थना करने जाते, अपने रब को राजी करने के लिए जाते, अली से पूछा जाता, ये अली जिसकी भक्ति करते हो, जिसके प्रार्थना में जाते हो, जिसको राजी करने के लिए जाते हो, ए अली बताओ क्या कभी तुमने उनको कभी देखा? मौलाए कायनात का जवाब सुनो। अली फरमाते हैं, मैं पहला सजदा करता हूँ, दूसरा सजदा नहीं करता जब तक अपने रब का जलवा नहीं देख लेता। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। और मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, अल्लाह लाली दामादे पैगंबर फातिहे खैबर जनाबे हैदर जब चलते थे पैर पे वरम आ जाता था, चेहरा गर्दा लूद रहता था, आंखें नम हो जाती थी, अली से पूछा जाता क्यों? हजरत अली ईद के मौके पर जब कभी अली से पूछा जाता था, उमर फारूक आजम से पूछा जाता था, सबके लिए खुशियां हैं आप गम में क्यों हैं? तो अली और हजरत उमर फरमाते, मैं गम इसलिए करता हूं, सब जानते हैं कि मेरा रोजा कबूल हो गया, मेरी तरावी कबूल हो गई, मेरे सजदे कबूल हो गए, उमर इसलिए रो रहे हैं। क्या बोल दो रसूल अल्लाह। अब आओ असल मौजू पे बयान करने जा रहा हूँ। मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह।
यदा यदा ही धर्मशैगला निर्बोधि भारत अभि उद्धाम मदामत्तदात्मानं सर्जम्य हम। जब जब धर्म की हान हुई अधर्म की वृद्धि तब तब अल्लाह ने दुनिया के अंदर संदेशताओं को भेजा। कोई एक जमाने का संदेशता बनकर आया, कोई एक कबीले का बनकर आया, कोई एक कौम का बनकर आया, लेकिन सुमती के घर को उजागर करने वाला, विश्व व्यवस्था के आंगन को रोशन करने वाला आया। जमीन मक्का में जबी को रखा, नबी कहां पैदा होंगे, संबल ग्राम शांति स्थान में पैदा होंगे, खानदान कौन सा होगा, परम भस्मना उच्च खानदान में पैदा होंगे, माँ का नाम सुमती होगा, बाप का नाम विपसा होगा, ना तो इनकी माँ का जवाब होगा, ना तो इनके बाप का जवाब होगा, पैदा कहां होंगे, संबल ग्राम शांति स्थान में पैदा होंगे, पैदा होकर ये ऐलान करेंगे, बचपने की जबान देखो, जमीन मक्का में जबी को रखा, रब की बारगाह में प्रार्थना किया, मौला पेशानी को लगाना मेरा काम है, उम्मत को बख्शना तेरा काम है, पैगाम रब आया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, सारी जमीन मस्जिद बन गई है, क्योंकि पेशानी मोहम्मद की लग गई है। हमें तो मरमीन मक्का में जबी को लगाकर सारी जमीन को मस्जिद बना सकता है, वो हम सबों को जन्नत दिला सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी हाजी रजा साहब किबला चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, न्यू हाजिरी तो विष्णु भक्तम सहम ध्यान पड़ाया हा, यक्ता भगवान विष्णु तक भी तू समागत हा, वस न्यू हासन स्वेदम परालय हा सप्तमेहनी, भविता तौम जने सार्धम नाव यस्तरम ज्योरम कुरु भक्तंद्रा, सर्वशिव भविष्य से तते के मत्वा, सिमरन नाम कीर्ता तत्पुचिता, हस्त्री सतलंबाम च पंचाश सद्धद्विर्दुरा, त्रिम सत उष्णाम रम्याम सर्व जीवन समन्विता, चत्वार तीनांडम महारस्तम कार्यतु सर्वयतो भारतम वर्षम जलई। समझ गए, हाथ उठाओ जितने लोग समझे। 6 सालों से मैं पढ़ता रहा इन किताबों को, ना समझ पाया, 6 मिनटों में समझ गया। योगी अंजेश न्यू हाज बिरेतो विष्णु भक्तम साम ध्यान पड़ाया हा, यगता भगवान विष्णु तक पितु समागत हा, वस न्यू हा सांस वेदम परालय हा सप्तमेहनी, भविता तौम जने सार्धम नाव यस्तरम ज्योरम कुरु भक्तंद्रा, सर्वशी भविष्य से त्यक्ति के मत्वा, सिमरन नाम कीर्ता तत्पुचिता, हत्री सतलंबाम च पंचाश सद्धद्विरिक्ता, त्रिम सत्फुक्षताम रम्याम सर्वविमन समन्विता, अहमद पितु परिमाधरम तस्तिक्र अहम सूर्या वाजनी, वेद्य मंत्रों से साबित है मोहम्मद नामी एक शख्स शांति स्थान पर पधारेगा, अपने मालिक से इसी शरीयत को नूर शरीयत लेके आएगा, जिससे सारा संसार उजागर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, उनके सुंदरता का कोई जवाब नहीं होगा, उनके बालों का जवाब नहीं होगा, उनके गालों का जवाब नहीं होगा, उनकी भावों का जवाब नहीं होगा, उनकी पेशानी का जवाब नहीं होगा, ना तो उनकी जबान का जवाब बोलिए ना सुभान अल्लाह। ओहद के मैदान में जब दंदाने मुबारक शहीद हुआ, सहाबी अर्ज कर रहे हैं उदू अल मुशरिकी, मुशरिकीनों के लिए बताएं कर दो, रब के महबूब फरमाते हैं, दानाए गुयूब फरमाते हैं, हादिये सुबुल फरमाते हैं, जगत पालक फरमाते हैं, कल की अवतार बोल पड़ते हैं, अब्दुल्ला के आंगन को उजागर करने वाले कह देते हैं, अरे मैं बद्दुआ नहीं करूंगा, रब ने मुझे बद्दुआओं के लिए नहीं भेजा, मेरे रब ने रहमत बना करके भेजा, मेरे रब ने रहमत बना करके भेजा है, मेरे नब ने मुझे रहमत बना के भेजा है, वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत जिसने दस्तारे बंदी जिसने दस्तारे बंदी नारे तकबीर नारे रिसालत माशाल्लाह। आज लोग भेदभाव की बातें करते हैं, मेरे नबी ने अपने दुश्मनों के लिए बद्दुआ नहीं की है। मेरे नबी का पसीना वेद के मंत्रों से स्थापित है। अतते सामनाम सिविस्तान वैवास देवम गरगति पुरगम थानी लत्री श्याम वेद के मंत्रों से साबित है। मेरे नबी का पसीना इतना खुशबूदार इतना खुशबूदार इतना खुशबूदार चाहे मशरिकी हवावे चाहे शिमाली हवावे चाहे जुनूबी हवावे चाहे जिधर से हवा आ जाए बस नबी के बदन से मुसाफहा मुआलिका कर ले। कसम खुदा की जहां तक वो हवा चली जाए लोगों का मन निर्मल करती चली जाए गरीबी दूर करते चली जाए। तो जब नबी के बदन से लगी हवा का ये आलम है तो सरापा जिसमें मुस्तफा का आलम क्या होगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मन लगा के माँ बाप के नाम पे कह दो या रसूल अल्लाह। आप मेरे नबी का मर्तबा देखिए सुंदरता का कोई जवाब नहीं सुंदर रूह पीछे वाले बोले आत्मा को शांति मिल गई है तो बोलो सुंदर रूप कमल मुस्काए नाम मोहम्मद जग जग छाए। मेरे नबी का नाम मशीक में मेरे नबी का नाम जुलूम में बोलो सुभान अल्लाह और मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने वहदानियत का ऐलान कर दिया खुदा को एक बताया बोलो सुभान अल्लाह। वेद के मंत्रों से साबित है हवाला नोट करने वाले नोट करो सुई बात पर उपनिषद अध्याय 6 मंत्र नंबर 11 में लिखा है ये को देवा सर्वभूतिस गुढ़ा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूता दिवासा साथ जीता केवलो नुरुष ईश्वर एक है सबसे ऊपर है सबसे भारी भरकम है उसके जोड़ का दुनिया में कोई नहीं है ना कहीं है वो निर्गुण सो निर्गुण है। आओ अंतिम ग्रंथ स्काई बुक आसमानी किताब जिसका पढ़ना इबादत है जिसका देखना इबादत है नारे तकबीर खतीब आज़म हिंदुस्तान साजा का हिंदुस्तान नारे तकबीर मन लगा के बोलो सुभान अल्लाह। और हमारा और आपका हमारे आज का लोग अनपढ़ जितने कम अकल नेता ऐलान करते हैं कि आपस में भेदभाव करो आपस में भेदभाव अपना खत्म हो जाए भाव दिखाओ मजमम ताओ लड़ो लड़ो। लेकिन जो अच्छे हैं पढ़े लिखे हैं अच्छे घराने के हैं वो ऐलान कर रहे हैं एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे सम्मान करेंगे एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे सम्मान करेंगे झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे मुसलमान करेंगे झगड़ा न कभी मुसलमान करेंगे मुसलमान करेंगे नफरत जो दिलाए हमें आपस में लड़ा के बोला करो या तो यहाँ से डुआला करो बोलो अपने माँ बाप के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। घर में दो पीर बैठे हैं घर में दो पीर बैठे हैं तुम्हारे लिए बहुत पीड़ा लेके बैठे हैं जिसके माँ बाप सलामत है उनकी जन्नत सलामत माँ बाप सलामत है उसकी जन्नत सलामत बोलिए ना
बोलिए ना, सब सलाम। जिसके माँ बाप राजी हैं अपने बेटे से, उसका रब भी राजी है, रब का महबूब भी राजी है। बोलिए ना या रसूल अल्लाह। नफरत जो दिलाए हमें आपस में लड़ा कर, आपस में लड़ा कर, नफरत जो दिलाए हमें आपस में लड़ा कर, आपस में लड़ा कर, नफरत जो दिलाए हमें आपस में लड़ा कर, उस शख्स से हम जंग का ऐलान करेंगे, ऐलान करेंगे, झगड़ा न कभी मुसलमान करेंगे, मुसलमान करेंगे। है जान से प्यारा हमें अपना तिरंगा, वाह जमीमा है हमारी, ये आला ऐलान लिख देना, वाह वाह। ला तमशी फिल अर्दी मरहा, इस जमीन पे अकड़ के ना चलो, कलेजे से लगाएगा। सुभान अल्लाह के साथ बोलो, मन लगा के बोलो, माँ बाप की जानिब से बोलो, जरा अपनी बीवी की जानिब से बोलो। जितने मुरीद बैठे हैं हजरत, मुफ्ती शब्बीर हसन साहब की बारगाह में दानवी अदब तय करके दर्स हासिल करता था। मेरी शादी हो गई थी दस्तार से पहले, मैं अपने घर पहुंचा, मनकूहा मेरी मुंतजिर दरवाजे पे खड़ी है, मैं पहुंचा, बेग एक जानिब रखा, अपनी बीवी को कहा सलाम अलैकुम, अम्मा मोहल्ले में जाकर बताने लगी, बड़ी अम्मा से बताने लगी, पढ़ावा लिखावा डांड हो, पढ़ावा लिखावा डांड हो गया, इनको देखो अपने महरूर को सलाम के लिए। हमने कहा अम्मा यह पढ़ावा लिखावा डांड नहीं, पढ़ावा लिखावा ये नबी की सुन्नत है, इसी में उन्नत है। बोलिए ना सुभान अल्लाह, मन लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मन अहब्बा सुन्नती फकत अहब्बनी काना मैया फिल जन्ना, जो मेरे नबी की एक सुन्नत पर अमल करेगा, नबी के लिए खालिदीन फीहा अबदा, जो जन्नत में आ जाएगा निकाला नहीं जाएगा। बोलो आत्मा को शांति मिल रही है, हाँ तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब सुन्नत आम करो, सुन्नत आम करो, क्या हदीस शरीफ में क्या है, सवारी पर चलने वाला पैदल चलने वाले को सलाम करे, साइकिल पर चलने वाला पैदल चलने वाले को सलाम करे, और पैदल चलने वाला बैठे वाले को सलाम करे। यानी पता ये चला नबी की हदीस साबित कर दी, प्रधान अपने वोटर का सलाम करे लेकिन प्रधान गुरूर में बैठा, प्रधान हुई प्रधान हुई प्रधान हुई। अब नबी की सुन्नत अदा नहीं करता सिर्फ गुरू में, नबी की सुन्नत अदा करो सुरूर में आ जाओ, न कभी प्रधानी जाएगी न प्रधान जाएगी, कामयाब रहेगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। तो मैं आया दरवाजे पे, मैंने सलाम कर लिया, कहा या देखो भैया हमारे मुरीद हुई, आज अगर आप सलाम कर लो तो हजरत अली की सुन्नत अदा हो जाएगी। अली कौन दामादे पैगंबर फातह खैबर घर में आते हैं, सलाम करते हैं, क्या करते हैं, माशरे में सुधार लाना चाहते हो तो सबसे सलाम करने में पहल करो। बोलो 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 बोलो, किसी के दरवाजे पर जाओ, हजरत अल्लामा अब्दुल तवाब साहब किला रहनुमाई फरमाएंगे तुम्हें, उनके नूरे नजर आपको रहनुमाई फरमाएंगे, वो एक रहनुमाई करने के लिए किताब सबके हवाले है। आप फरमाते हैं ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसु व तुसल्लिमू अला अहलिहा, लोगो अपने मकान पे जाओ या गैर के मकान पे जाओ तो सबसे पहले साहिबे मकान को सलाम कर लिया करो, डायरेक्ट ना चले जाया करो। आज दरवाजे पे पहुंचा और कहने लगा बुधाई अंदर गड़ाम, बुधाई बोला घर के अंदर। आका इरशाद फरमाते हैं जब तक सलाम ना कर लो, अंदर से आवाज ना मिल जाए, इजाजत ना मिल जाए, तब तक अंदर दाखिल नहीं हो सकते हो, ये भी नबी की सुन्नत है। अब जो सलाम करेगा, आका फरमाते हैं सलाम करने वाला पहले जन्नत में जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, बात समझ में आ रही है,
बात आ गई समझ में, तो बोलिए या रसूल अल्लाह, लगा के कह दो या नबी अल्लाह। अब ये तो सलाम की बात रही है, अब आओ नबी के रहम दिली की बात देखो। मेरे आका रब के महबूब दानाए गुयू हादी सुबुल फरमाते हैं, खूंटे पे बंधे जानवर का टाइम टू टाइम पर ख्याल किया करो। जो जानवरों के ख्याल का हुक्म फरमाए वो नबी अपने दीवानों को बताएगा, लड़ाई करो, झगड़े करो, जहां जहां मेरे नबी का जलसा होगा शांति वहीं से जन्म लेगी, अमन वहीं से फैलेगा। मेरा नबी कौन है जिनके सुंदरता का कोई जोर नहीं, लेकर बदमीता दा फलक दिरहम दीनार, हो शब सेता गर्व सभी माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कुशार, यक समत खड़े हो जाओ मेरे सैयद इब्राहिम, फिर कालिका प्रसाद से पूछे कि क्या तुले, सब छोड़ देना लाइन नबी सर पे उठा ले। हाय हाय जिंदाबाद। कल घर जाके सुभान अल्लाह बोलोगे? सुभान अल्लाह। हां तो बोलते रहो ना सुभान अल्लाह, आत्मा को शांति मिलेगी, बोलो सुभान अल्लाह। और मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, अल्फाज नहीं मिलते। हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए, सरकार दो आलम की क्या शान निराली है, सरकार मदीना के क्या शान निराली है, कलमा भी पढ़े पत्थर किरदार को क्या कहिए। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अवतान न्यारम थम संबीर तिमल दम विद्यार तंबल मनुष्यानम नम नहियम पजवक्तम जपम जपस्यम वीरम महावीर योगियम जयस तत मात्मानम रहशिष्टता यकाक यकितात्मा निराशी परिग्रह शिचोदी से प्रतिष्ठा भी त्रिमात्मनात्मना नात्री शिवितम नात्नीचम चला निर्कोशतरम तत्तैका कर्मरा कित्ता यचित्ति किंद्रिय किया उपविशानम जादू आदमी सुद्ध है समम काय सिर्यो गिरीवं धारण नकलन संप्रक समना शिका करम शरम दिशास्ता चनो लो कयन ओम जदाओ स्रोत नरा संसित्रे सचम सहस नानवे तम चकौर मारा दस में तुम हे मंगलम। जाने मौलाना सब सुनी थी, बोलिए ना सुनो। यही मेरे नबी रब के महबूब ने फरमाया है, जब तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाता है तो तुम्हारे घर में मेहमान भेज देता है। क्या भेज देता है? जब तुम्हारा रब तुमसे राजी होता है तो घर में मेहमान भेज देता है। यह हर दशे चलते का बोलो ना, इन पाकिजा लोगों के हाथों से एक टका मिल जाए जिस पे भारत के गवर्नर की मोहर लगी है, समझ लीजिए बहुत है। बुजुर्गों से न उलझो इनकी दुनिया ही निराली है, मुफ्ती साहब किबला के दामन से वाबिस्ता हो जाओ, रहा हिदायत पाओ, सत्य मार्ग मिले। बुजुर्गों से न उलझो इनकी दुनिया ही निराली है, ये गुदड़ी ही में रहते है मगर मोती लुटाते, ये गुदड़ी ही में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गुदड़ी ही में रहते है मगर मोती लुटाते हैं। आओ मैं बताऊं, अल्लाह जब तुमसे राजी होता है तो क्या देता है?
क्या देता है? और मेहमानी कितने दिन की होनी चाहिए? एक दिन, दो दिन, तीन दिनों तक? तीन दिनों तक, 73 दिनों तक नहीं। दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है, महीना भर रहने वाले बिगहा बिगहा पे लिखा है, टोटल राशन पर लिखा है। अब जब तुम्हारा रब तुमसे और ज्यादा राजी होता है तो मौसम में बारिश देता है, मौसम में बारिश देता है, और जब बहुत राजी होता है तो तुम्हारे घर में बेटी की दौलत देता है। बोलो बोलो। आज जिस बाप के घर में बेटी पैदा हो जाए, सर झुकाए पूरे मोहल्ले में छुछुआता घूम रहा है, क्या हुआ क्या हुआ, मिट गए क्या हुआ, बर्बाद हो गए कैसे? अरे दहेज मांगने वालों, दहेज मांगने वालों, कान खोल कर सुन लो, फकीरी छोड़ो। आका की हदीस है, जो अपने बाप, गरीब बाप अपनी बेटी के रिश्ते के लिए दोपहर में चिलचिलाती धूप में पुश्त पर ईंटें लाद लाद कर मजदूरी करने वाला भट्टे पा अपनी बेटी की शादी का इंतजाम कर रहा है, ऐसे गरीब बाप के घर पहुंच कर दहेज का सवाल करने वाले फकीरों कान खोल कर सुन लो। आका फरमाते हैं, जब बेटी का बाप गरीब हो और उस गरीब बाप का गला दबा के दौलत ली जाती है तो घर से बरकतें भाग जाती, घर से बरकतें भाग जाती। दहेज का सवाल मत करो, अल्लाह से कहो, वो अल्लाह जो करोड़ देने वाला है, अरब देने वाला है, खरब देने वाला है, नील देने वाला है, संख देने वाला है, महासंख देने वाला है, उस रब से मांगो। अपने रब के महबूब से मांगो, तनाए गुयूब से मांगो, हादिये सुबुल से मांगो, खत्मे रसूल से मांगो, कह दो सुभान अल्लाह। जीने की तरफ मरने की तरफ देख ना, जीने की तरफ देख, मरने की तरफ देख ना, जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख, दिल पे मदीने। बोलो ये माँ, हजरत उमर नहीं देखेंगे तो उमर का खुदा तो देखेगा। हाय हाय, जिंदाबाद। आज सीसीटीवी कैमरा लगा है तो पूछियो कब का है भाग, ईशा कर, लेकिन अल्लाह की नजर में हमेशा। काश इस जमाने में हजरत उमर होते, काश इस जमाने हजरत उमर होते, फिर कभी जमाने में चोरियां नहीं होती। और हुजूर इजाजत तो आखिरी शेर, इजाजत सब लोगों की जाने। मेरे घर की मलकाएं रोटियां पकाती हैं, मेरे घर की मलकाएं रोटियां पकाती हैं, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती, माँ के हाथ। या महतारी वाले बैठे, कितने अपने महतारी के सपूत पूत बैठे, हाथ उठाओ। महतारी के नाम पे मैंने शेर पर 10 टका नहीं निकल पाया, पढ़ने जा रहा हूँ, देखता हूँ कितने ललकार करके पढ़ने जाता हूँ। काश इस जमाने में, ये माँ वाले देख कितने अच्छे अछूते और पवित्र बेटे हैं, ये माँ वाले हैं, सुभान अल्लाह, माँ वाले। नारे तकबीर, आखिरी शेर पढ़ो। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब कुबला मिसबाही, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब कुबला मिसबाही, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए भाई, खुतीबे मुनफरिद निसार, नारे
तकबीर, नारे माँ के नाम पे शेर पढ़ रहा हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। माँ वाले बोले सुभान अल्लाह, बाप वाले बोले सुभान अल्लाह। जी लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, काश इस जमाने में हजरत उमर होते, काश इस जमाने में हजरत उमर होते, फिर कभी जमाने में चोरियां नहीं होती, मलकाएं रोटियां पका। माँ वाले होशियार हो जाओ, मेरे घर की मलकाएं, मेरे घर की बीबियां रोटियां पकाती है, सबके घर की मलकाएं रोटियां पकाती है, रोटियां पकाती है, रोटियां नहीं होती, रोटियां नहीं होती। त्रिकम वड़रियम, त्रिकम सणरियम, कालिरम रूपरम विश्वरूपम, बोले में लफ्जन मानन कसदन सहवान।